नो मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो यूजिंग इक्वेशन नंबर थ्री एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या था, दैट इज एम वन ए वन. नहीं ये इससे आएगा, किससे आएगा, दैट इज नहीं इससे नहीं आएगा, वेट 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 वेट, इक्वेशन टू से आएगा. इक्वेशन टू से आएगा, यस थैंक यू. इक्वेशन टू से आएगा, वेलोसिटी वाले फॉर्मूले से आएगा. यूजिंग इक्वेशन नंबर टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू व्हाट, एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू प्लस 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 एम एन वी एन अपॉन दैट इज एम वन प्लस एम टू प्लस प्लस एम एन क्रॉस मल्टीप्लाइड. सो आप इसको कैपिटल एम ले लेंगे, एम वन प्लस एम टू प्लस एम एन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट इज इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू प्लस एम थ्री वी थ्री प्लस 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 एम एन वी एन. तो मास इंटू वेलोसिटी क्या बन जाएगा, मोमेंटम. तो आ गया ना फॉर्मूला, ये इसको हम कैपिटल एम ले लेंगे, दैट इज कैपिटल एम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो ये बन गया मोमेंटम, एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू एम टू वी टू प्लस 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 एम एन वी एन. तो ये हो गया मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास. मास इनटू वेलोसिटी क्या बन जाएगा, मोमेंटम. तो मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू, मतलब सारे मोमेंटम्स को आपको ऐड करना पड़ेगा, इसका मतलब तो ये हो गया प्लस पी एन. सो यू टू अगेन यू टेक द साइन कन्वेंशन ऑल्सो. साइन कन्वेंशन जरूर लेंगे क्योंकि आपको मालूम है मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है. ओके सो आई होप यू हैव टू टेक द साइन कन्वेंशन आल्सो. ठीक है, राइट वाला प्लस लेफ्ट. ठीक है, एवरी टाइम यू टू टेक द साइन कन्वेंशन. अब जब वेलोसिटी में साइन कन्वेंशन लेंगे तो एक्सेलरेशन में भी लेंगे, तो फिर मोमेंटम में भी लेंगे. तो मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, सर वेट. आज हो ना सर एकेडमी पे? मैं 2:30 2:30 फिर एक घंटा. ठीक है, ये भी मेरा फिर लेक्चर है, दैट इज ओके. सर मिल जाएंगे आपके, केमिस्ट्री वाले सर मिल जाएंगे. ठीक है, आ जाइएगा. आ जाएगा,
डन सर। अच्छा सो हाँ यस देन द लास्ट रिलेशन फोर्स पे रिलेशन बिटवीन बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फोर्स एंड एक्सेलरेशन आप ऐसे बोल सकते हैं ना फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ना सो सर एक्सेलरेशन वाला हो हाँ छोड़ो डेरिवेशन क्या करें सीधे फॉर्मूला ही लिख देते हैं छोड़ो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं हम लोग एक्चुअली इसमें न्यूमेरिकल्स आएंगे बेटा डेरिवेशन नहीं आएगा याद रखना तो टोटल फोर्स ले लेते हैं टोटल फोर्स समेशन ऑफ ऑल द फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास यही होगा ना एक्सटर्नल फोर्स बोल सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स External force. This is a formula. This is a formula. Acceleration को आप लिख सकते हैं कि acceleration क्या था? हाँ, acceleration of center of mass क्या था? That is velocity of center of mass na velocity of center of mass acceleration kya ho sakta ha ye ho sakta hai d by dt of velocity of center of mass ye ho sakta hai rakh sakte hain usme kya problem hai usme to you can put it this one also to isko hum aise bhi likh sakte hain ki summation of all the force external is equal to mass into d by dt velocity of center of mass या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक सेकेंड मास को अंदर ले जाओ फोर्स एक्सटर्नल इसी को मास को अंदर ले जाते हैं डी वाई डी टी मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ये क्या आ जाएगा मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास मास इंटू वेलोसिटी क्या बन जाएगा मोमेंटम तो डी वाई डी टी एक्सटर्नल फोर्स तो आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है ठीक है सो यू कैन यूज एनी वन ऑफ द फॉर्मूला Thank you.
अच्छा एक फॉर्मूले को डिस्कस करना रह गया था। हाँ ठीक है सर। हाँ यस सर, आप आज का और कल का रिकॉर्डिंग भेज दो ना प्लीज। और कल का मैंने बेटा पोस्ट कर दिया था, कल का मैं तो पोस्ट कर दिया था, आपको मिला होगा। ठीक है मैं दोबारा पोस्ट कर देता हूँ। ठीक है ओके ठीक है, तो आज का भी पोस्ट कर देता हूँ। ठीक है ओके कल ग्रुप में ही पोस्ट कर दिया था। ओके नाउ ठीक है एक काम करते हैं, अब थोड़ा सा एक दो प्रॉब्लम करके थोड़ा समझा देते हैं थोड़ा सा। ठीक है और फॉर्मुलेज वगैरह याद करना। ठीक है यस कैन आई प्रोसीड एवरीबॉडी, कॉम्प्लीट कर लिया सबने कॉम्प्लीट? यस ओके डन सर। ओके ना लास्ट टाइम मैंने फॉर्मूला बताया था, कल ही बताया था शायद मैंने फॉर्मूला, मैं स्क्रॉल करता हूँ, दो मासेस का फॉर्मूला बताया था। जस्ट हाँ एक मिनट आप इधर ले सकते हो क्या? हाँ एक मिनट जस्ट अ मिनट जस्ट अ मिनट बेटा। हाँ ये मैंने दो मासेस का फॉर्मूला बताया था, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला की इम्पोर्टेंस बहुत है, मैं समझाता हूँ इस फॉर्मूले को। ठीक है हाँ कुछ बोल रहे थे आप, कहाँ पे करना है ये मोमेंटम? हाँ 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 सर हो गया मोमेंटम। ओके नाउ ओके अच्छा ठीक है अगेन सेंटर ऑफ मास ऑफ टू बॉडी सिस्टम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार डिस्कस करना पड़ता है, इस पे न्यूमेरिकल आने चांसेस रहते हैं, ये बात ध्यान रखना। Then center of mass of two body system. ठीक है सिर्फ दो बॉडी है तो उनका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, ये बहुत बार आया हुआ है। ठीक है ओके सो ऐसे कर लेते हैं, छोड़ो मैं हाँ लेट्स से दिस इज this is x axis, this is origin and this is m2, m1 और इधर m2 कर लेते हैं, इधर m2 लेफ्ट की तरफ m1 रखते हैं, इधर m1 ले लेते हैं, दिस इज m1, इसका डिस्टेंस यहां से x1 है, इधर से कितना है x2, तो ये तो ओरिजिन है, लेट मी राइट द कोऑर्डिनेट प्रॉपर, हाँ मैं प्रॉपर कोऑर्डिनेट लिखता हूँ तो अच्छा लगेगा। ठीक है इसको मैं ओरिजिन ले लेता हूँ, जीरो कॉमा जीरो, इसको मैं एक्स टू कॉमा जीरो, ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, इसको ले लूंगा मैं माइनस एक्स वन कॉमा जीरो, मतलब ये डिस्टेंस जो है हमने x1 लिया है और ये डिस्टेंस क्या लिया x2 लिया, ये डिस्टेंस x2 लिया और दोनों मासेस के बिटवीन डिस्टेंस कितना है x, ठीक है दो बॉडीज हैं। ठीक है अब सपोज कर लो मैंने मासेस को थोड़ा इधर किया, M2 को थोड़ा इस तरह से किया, इस तरह से एडजस्ट किया इनका कि इनका सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे ही आ गया, लेट्स से मैंने क्या किया M1 M2 को थोड़ा आगे पीछे किया और इस तरह से एडजस्ट किया कि उसका सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे ही आ गया, कर सकते हो ऐसा नहीं है, M1 को थोड़ा आगे करो M2 को पीछे करो, इस तरह से हमने एडजस्ट किया उनके डिस्टेंस को ऐसा रखा थोड़ा आगे पीछे करके कि उनका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली ओरिजिन पे ही आ गया, आ सकता है ऐसा कर सकते हैं, तो कुछ हमने ऐसे ही किया x1 x2 डिस्टेंस वेरी किए, m1 m2 थोड़ा सा लेफ्ट लेफ्ट राइट थोड़ा सा मूव किया और इस तरह से किया कि उनका सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे आ गया। क्वेश्चन में कोई डाउट है? ठीक है ओके तो ठीक है xcm निकाल लेते हैं, xcm क्या हो जाएगा, xcm फॉर्मूला क्या था, m1 x1 प्लस M2 X2 upon M1 plus M2। अच्छा सेंटर ऑफ मास यहाँ पे तो XCM क्या होगा, जीरो
सेंटर ऑफ मास सेंटर पे ही है ना बेटा, तो एक्सीएम जीरो होगा ना. आर यू गेटिंग? सेंटर ऑफ मास इज एट ओरिजिन, इज एट ओरिजिन, तो एक्सीएम हमने क्या ले लिया, जीरो ले लिया. तो जीरो एम वन, एक्स वन की वैल्यू क्या आएगी, माइनस एक्स वन. एम टू, एक्स टू राइट में है तो प्लस एक्स टू अपॉन एम वन प्लस एम टू, ये जीरो में चला जाएगा तो क्या आएगा, जीरो इज इक्वल टू माइनस एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू. तो ये आ जाएगा एम वन एक्स वन इज इक्वल टू एम टू एक्स टू. ठीक है, ये इक्वेशन नंबर वन. इक्वेशन नंबर टू क्या बनेगा, एक्स इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू फ्रॉम द डायग्राम, फ्रॉम डायग्राम एक्स की वैल्यू एक्स वन प्लस एक्स टू होगा. ठीक है, तो वन और टू को आप सॉल्व कर लीजिए और आंसर आ जाते हैं. तो सॉल्विंग वन एंड टू, सॉल्विंग वन एंड टू, तो एक्स वन की वैल्यू आ जाती है दैट इज एम टू एक्स अपॉन एम वन प्लस एम टू, और एक्स टू की वैल्यू आ जाती है दैट इज एम टू एक्स अपॉन एम वन प्लस एम टू, नहीं एम वन एक्स अपॉन. एक बात याद रखना, ये फॉर्मूला लर्न करके आना, डेरिवेशन नहीं आएगा, फॉर्मूला याद रखना, लर्न इट बाय हार्ट. एंड अगर मैं इसका रेशियो ले लूं तो, टेकिंग रेशियो, अगर मैं इसका रेशियो ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा, x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू m2 अपॉन m1. याद रखना, रेशियो पे न्यूमेरिकल आते हैं. न्यूमेरिकल कैसे आएगा चलो बताते हैं, जैसे कॉपी कर इसको. सो दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए तो x1 x2 की वैल्यू मिल जाएगी, सॉल्विंग वन एंड टू. तो दो बॉडीज का सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले बाय हार्ट आपको याद होने चाहिए. ये रेशियो ध्यान रखना, x1 अपॉन x2 इज इक्वल m2 अपॉन m1. Done, sir. Wait, sir. ठीक आहे.
अच्छा ये यार ना x1 upon x2 is equal to m2 upon m1, x1 upon x2 is equal to m2 upon m1, ठीक है? तो जस्ट ये मैं एक आपको क्वेश्चन बताता हूँ, जस्ट ये लेट मी चेंज द स्क्रीन, स्क्रीन तो चेंज हुआ नहीं।